हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरू फूड ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गुड़ के गाजर वाले चावल। ये रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी थी और ये इतने अच्छे बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर जो इसको एक बार खा लेता है वो इसका फैन हो जाता है। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल जो बाय वेट 250 ग्राम है, और मैंने लिए हैं 3 गाजर कद्दूकस करके बाय वेट 125 ग्राम गाजर हैं, और मैंने लिया है 1/4 कटोरी गुड़, ये गुड़ बाय वेट 200 ग्राम है। तो आप इसमें से, ऐसी बात नहीं है, गाजर कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और गुड़ भी अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको मीठा कम पसंद है तो थोड़ा सा गुड़ आप कम कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में मैंने लिए हैं बादाम 8 से 10 गिरी आधी काटी हुई, 8 से 10 काजू आधे काटे हुए, थोड़ा सा सूखा नारियल काटा हुआ, थोड़ी सी दालचीनी, 4-5 लौंग और 4-5 छोटी इलायची। और इसके लिए हम पानी यूज़ करेंगे। पानी हम लेंगे जितना हमने चावल लिए हैं वैसे हम लेते हैं, उससे डबल पानी, लेकिन ये हमारे गुड़ के चावल हैं और हमें सॉफ्ट बनाने हैं तो हम इससे लेंगे 2.5 गुना पानी। तो जैसे अगर हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं तो हम इसमें लेंगे 2.5 कटोरी पानी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुड़ को 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख देंगे सॉफ्ट होने के लिए। गुड़ को मैंने ऑलरेडी कूट लिया है, लेकिन अब भी हम इसे थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, जब तक हमारे चावल बॉयल होंगे तब तक के लिए हम इसको पानी में, 1 कटोरी पानी में भिगो कर रख देंगे, और 1.5 कटोरी पानी हम इस्तेमाल करेंगे चावल बॉयल करने के लिए। चावल बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, गैस को हम थोड़ा मीडियम पे ही रखेंगे, तेज़ नहीं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू और बादाम। नारियल को हम थोड़ा सा बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम नारियल को भी काजू बादाम के साथ डाल देंगे तो नारियल जल जाएगा, क्योंकि नारियल भुनने में बहुत कम टाइम लेता है, काजू बादाम को उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे ही हमारे काजू बादाम थोड़ा सा कलर चेंज होने लगेगा, बस हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, थोड़ा सा क्रिस्प करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। जैसे ही ये थोड़े से हो गए हैं, अब हम इसमें साथ ही नारियल भी डाल देंगे। ये हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गया है, इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे बाद में गार्निश करने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी पानी और भीगे हुए चावल। चावलों को मैंने करीब करीब 20 मिनट तक भिगो के रख दिया। ये चावल बनाने के लिए मैं बासमती चावल यूज कर रही हूँ। 1.5 कटोरी पानी, जैसे ही पानी थोड़ा सा बॉईल होने लगे हम इसमें डाल देंगे अपने चावल। और अब हम इसको कवर करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। हमें चावल को करीब करीब 10 मिनट लगेंगे बनने में, तो और गैस को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पे, ना तो बिल्कुल सिम और ना ही बिल्कुल हाई, इसको हम मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम अपने चावल चेक कर लेंगे। हमारे चावल हाफ बॉयल हो गए हैं। अब हम इसमें अपनी कद्दूकस की हुई गाजर ऐड कर देंगे। गाजर डाल के हम इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। गाजर डालने के बाद हमने गैस सिम कर दी थी और 5 मिनट हमने इनको गाजर डालने के बाद पकाया है। अब हम एक बार चावल चेक कर लेते हैं। हमारे चावल ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। अब हम इसमें गुड़ मिक्स किया हुआ पानी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके सिम गैस पे ही पकने के लिए छोड़ देंगे, और इस टाइम पर हम इसमें
थोड़े से 3-4 स्ट्रैंड्स केसर के भी ऐड करेंगे ताकि हमारे चावलों का कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, केसर के धागे अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, अगर आपके पास ना हो तो आप छोड़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक बार फिर चावल चेक कर लेंगे। हमारा गुड़ का पानी बिल्कुल सूख चुका है और सॉफ्ट सॉफ्ट जूसी चावल एकदम तैयार हैं। इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, छोटी इलायची की, गुड़ की, केसर की, बहुत ही अच्छे चावल बन के तैयार हुए हैं। ये आप तभी जान पाएंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे। ये खाली टेस्ट में ही अच्छे नहीं होते, ये विंटर्स में बहुत फ़ायदा भी देते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आप देखते रहें। अंत में चावल सर्व करते हुए आप इसको जो ड्राई फ्रूट हमने निकाला था उससे गार्निश करें। इसको हमने अपने फ्राइड ड्राई फ्रूट और केसर के थ्रेड से गार्निश किया है। हमारे चावल सर्विंग के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।